लेट अस सी सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी हम लगातार प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने इस तरह क्वेश्चन एक दो या तीन लिया था। इसमें वैल्यूएट करना है इस पॉलीनोमियल का वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल्स वन प्लस आई बाई रूट टू है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ये कैसे करेंगे हम, तो इसमें थोड़ा काम करेंगे हम। इसको हम स्क्वायर वगैरह करके एक पॉलीनोमियल के फॉर्म में करने का प्रयास करेंगे और उस पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या होगा ये निकालेंगे और उसके बाद उससे इस पर डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे यहां पर गिवन है x इक्वल्स वन प्लस आई बाई रूट टू, इससे हम रूट टू एक्स इक्वल्स वन प्लस आई कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसको इधर कर दें और एक बार स्क्वायर करें तो आई से फ्री हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो भी रूट है और इसका स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये आराम से फैक्टराइज हो सकता है। इसमें x की पावर 4 कॉमन ले लें और इसमें 1 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दें, तो एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर एक्स 4 प्लस 1 हो जाएगा। इस बात को समझते हुए और प्लस ये समझते हुए कि 1 प्लस आई का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट ये 2i आएगा। बहुत सारा कैलकुलेशन इस तरह का होते रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में, बिकॉज 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 0 हो जाएगा और मिडिल टर्म सिर्फ 2i रहेगा, तो यहीं पर इसको स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 ना, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2x स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2i, 2 कैंसिल हो गया। फिर एक बार स्क्वायर कर दें आई से फ्री करने के लिए, x की पावर 4 इक्वल्स आई स्क्वायर जो कि माइनस 1 हो जाएगा, और यहां से x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स 0 कर लेंगे, क्योंकि जो निकालना है वो x की पावर 6 के फॉर्म में है। x की पावर 4 प्लस 1 0 अगर हो गया तो अब आगे लॉजिक क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे। फिलहाल तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम देख रहे हैं x की पावर 4 प्लस 1 इसमें डायरेक्ट एक फैक्टर है, इसको यहीं छोड़ते हैं। और नाउ x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स, फर्स्ट टू टर्म में x की पावर 4 कॉमन लेंगे जैसा कि शुरू में ही बताया, प्लस इसमें तो 1 ऑलरेडी कॉमन है ही, और x की पावर 4 प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये ऐसा क्यों डिराइव किए कि अब हम x की पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। मान लीजिए कि ये पूरा पूरा अगर नहीं फैक्टर आता तो यहां रिमाइंडर कुछ रहता, रिमाइंडर रहता तो x की पावर मैक्सिमम 3 में जाता, चूंकि 4 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं, तो हमारा काम तो पावर 6 निकालना पड़ता है इससे, इसके रिस्पेक्ट में हमको पावर 3 से ही काम चल जाता। ऐसे ज्यादा चांस है कि इसे डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट ही यहां पर आएगा या x का एक पावर में आएगा, है ना, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। फिलहाल तो इसका वैल्यू क्या कर देंगे, ये 0 हो गया और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या हो गया, 0, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमने फिर एक क्वेश्चन लिया है, कहता फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब हमें इंफॉर्मेशन क्या है, एम पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू हमें वैल्यूएट करना है। समझ सकते हैं दोनों का पावर एन है, ये 1 माइनस आई है, 1 माइनस 1 बाई आई है, इसमें अगर आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऊपर आई आएगा नीचे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा मतलब 1 प्लस आई, तो दिस इक्वल्स हम लिख रहे हैं 1 माइनस आई टू द पावर एन और 1 माइनस आई बाई आई स्क्वायर टू द पावर एन, सो दैट ये प्लस बी फॉर्म में आ जाए और साथ ही ये 1 माइनस आई है तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा, तो समझ सकते हैं दोनों का पावर सेम है, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, डायरेक्ट फॉर्मूला से ये 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस आई की पावर एन और इसे 1 प्लस आई की पावर एन कहेंगे और फाइनली 1 माइनस आई 1 प्लस आई एक साथ पहले कर लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में है टू द पावर एन, और ये 1 माइनस आई स्क्वायर की पावर एन, 1 माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या, 1 प्लस 1 की पावर एन और फाइनली 2 की पावर एन हो गया, है ना। समझ सकते हैं ये एन से फ्री तो नहीं होगा, जरूरी नहीं कि होगा ही, ये होता अगर इसका फॉर्म कुछ आई की पावर 2 आता, आई की पावर 4 आता, यानी आई का पावर कुछ भी इवन होता तब तो ये कोई रियल नंबर आता, लेकिन ये 2 की पावर एन आ रहा है, इट मीन्स अब इसका आगे क्या वैल्यू होगा ये एन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर सिंपली कह रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा 2 की पावर उतना पुट करेंगे वो इसका वैल्यू होगा, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इफ
1 plus iz equals 1 minus iz bar, then show that z equals minus iz bar. क्वेश्चन को देखेंगे जो भी गिवन है जो प्रूव करना है, यहां भी जेड जेड बार, यहां भी जेड जेड बार, फर्क क्या है ये सब बातों का, वन प्लस आई है, वन माइनस आई है, ये खत्म है, यहां पर माइनस आई है. तो अगर ऐसा है तो वो प्रूव होने वाली बात है, ये पॉसिबल होगा. तो हम प्रोसीड कर सकते हैं इसको इस तरह से, ये जो गिवन रिलेशन है इससे हम लिख सकते हैं जेड इक्वल्स वन माइनस आई बाई वन प्लस आई जेड बार. समझ सकते हैं प्रूफ क्या करना है, कंपेयर कीजिए इससे, जेड है ही, जेड बार है ही, इतना जो देख रहे हैं एक्सप्रेशन दिस बाय दिस, इसे हम माइनस आई दिखाने का प्रयास करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे इसमें. अब समझ सकते हैं इसके लिए वन माइनस आई होल स्क्वायर कहेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए इसमें वन प्लस आई के कंजुगेट से, वन माइनस आई जेड बार. और समझ सकते हैं वन माइनस आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू आई, नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर जेड बार, दैट इज माइनस टू आई. 1 माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2 इंटू जेड बार, 2 कैंसिल हो गया, माइनस आई जेड बार, है ना. तो ये आराम से थोड़ा सा क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, उसका स्टडी किए और कैसे प्रोसीड करें ये समझने का प्रयास किए, बाकी काम करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर हो गया. नेक्स्ट इसमें हमें सोल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का वैल्यू हमें निकालना है, जबकि जेड स्क्वायर का रियल पार्ट का रहा है जीरो होगा और मॉड जेड इक्वल्स टू होगा. सोच सकते हैं इसमें जेड कैसे निकलेगा, ये अभी अपने तरह का फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन. तो यहां पर जेड को अगर एक्स प्लस आई वाई एस्यूम कर लें तो x और y दोनों का इवैल्यूएट हो जाएगा, तो समझेंगे हमारा वैल्यू निकल गया x y, तो z निकल गया. अगर हम x z को x प्लस आई वाई मान लें तो देन रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स जीरो इंप्लाई करेगा. आप समझ सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसका रियल पार्ट होगा. क्यों एक्स आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी एक टर्म आएगा टू आई एक्स वाई, तो टू आई एक्स वाई तो रियल है नहीं, बाकी एक्स स्क्वायर और प्लस आई वाई स्क्वायर क्या, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर. तो इसे कंक्लूड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी जीरो, ये इक्वेशन वन हो गया. फिर मॉड जेड इक्वल्स टू, समझ सकते हैं मॉड जेड इक्वल्स टू ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट टू होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर कर लेंगे, ये टू हो गया. तो ये जो सिस्टम इक्वेशन है इसमें जेड को हमने एक्स प्लस आई वाई माना, ये समझते हुए कि अगर रियल पार्ट एक्स और इमेजरी पार्ट वाई इसका इवेल्युएट कर लेंगे तो हमारा जेड फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा. और इसके हेल्प से जो गिवन है हमने दो इक्वेशन बनाया, जाहिर है एक्स और वाई का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस भी चाहिए, ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ चुका है. अब हम वन और टू को सोल्व करेंगे. समझ सकते हैं वाई निगेटिव है, पहले ऐड कर देते हैं, वन में टू को ऐड करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर ना, फोर एक्स स्क्वायर टू और एक्स इक्वल्स प्लस माइनस रूट टू. जब y फाइंड करना है तो 2 में 1 को सबट्रैक्ट कर दें, ये y स्क्वायर, ये भी y स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज होकर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 माइनस 0 हो जाएगा. तो 2 माइनस 1 इंप्लाई 2 y स्क्वायर इक्वल्स 4 जस्ट लाइक दिस, एंड देयरफॉर y इक्वल्स डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस रूट टू. अब फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, x भी निकल गया y भी निकल गया. फाइनल आंसर लिखने में ये समझना है थोड़ा कि यहां जो x और y का डबल डबल वैल्यू निकला है ये कोई कंडीशनल तो नहीं है ना, x can take either of plus root 2 or minus root 2 or for each of these two values y can take independently either plus root 2 or minus root 2. It means ki x और y independently दो में से कोई value ले सकता है, तो in fact ये चार solution होगा, है ना. क्या क्या होगा देखिए, x का value root 2 तो y का value root 2, x root 2 तो y minus root 2, फिर x minus root 2 तो y root 2, x
माइनस रूट टू, तो वाई भी माइनस रूट टू, तो देयर फोर जेड इक्वल हम समझते हुए लिख सकते हैं एक बार रूट टू के साथ कर लिए प्लस माइनस रूट टू वाई, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, और एक को हम लिख लेते हैं माइनस रूट टू ले लिए एक्स का, तो भी ये प्लस माइनस रूट टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां रूट टू रखते हुए आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, फिर यहां माइनस रूट टू रखते हुए यहां प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, जैसे लिखे हैं सही है ना। इसमें चाहे तो रूट टू को कॉमन ले सकते हैं, वन प्लस माइनस आई हो जाएगा, यहां माइनस रूट टू को कॉमन ले लीजिए, वहां वन प्लस माइनस आई हो जाएगा या माइनस प्लस आई हो जाएगा, एक ही बात है ना। तो थोड़ा सा एक्स और वाई के सोल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन लिखने में थोड़ा सावधानी बरतना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन देखिए कहा था इफ जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, जहां जेड का वैल्यू माइनस वन नहीं है, आप समझ सकते हैं जेड का वैल्यू माइनस वन, इसलिए नहीं कहा कि इसका डिनोमिनेटर में जेड प्लस वन है, और जेड का वैल्यू अगर माइनस वन करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो फिर ये डिफाइन नहीं हुआ, ये मीनिंग लेस होगा है ना। तो इसमें जेड को माइनस वन नहीं है ऐसा भी कह दिया। देन कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडजेड, तो मॉडजेड का वैल्यू बताइए क्या होगा है ना। इसमें बिना कोई प्रॉपर्टी दिमाग में लाए पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में सोचते हैं मॉडजेड कैसे निकलेगा, जबकि गिवेन है ये प्योरली इमेजिनरी है। ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होगा, प्योरली इमेजिनरी का यही डेफिनेशन होता है ना, यही समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मॉडजेड हमें फाइंड करना है, आप समझ सकते हैं पूरा जेड हमें नहीं निकालना है, पूरे जेड से हमें मतलब नहीं है, हमें मॉडजेड से मतलब है। तो अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करें, स्टार्ट करें कि अगर जेड को हम एक्स प्लस आई वाई मान लें या ए प्लस आई बी एम प्लस आई एन कुछ भी, तो जेड को पहला अप्रोच हम देखते हैं लेट जेड इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। जबकि गिवन क्या है, तो जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन, इसका कहता है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, यानी इसका जो रियल पार्ट होगा वह जीरो है। नाउ चूंकि हमें यहीं से बातों को समझना है, यहां तो निकालना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या कर सकते हैं, वो तो निकालना पड़ता ही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है, उसका वैल्यू क्या आएगा कुछ इसी से हेल्प लेंगे ना, चूंकि यही गिवन है, इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। तो नाउ जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन, इसे हम एक्स वाई के फॉर्म में करेंगे और उसका रियल पार्ट जीरो करेंगे, वो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट का वैल्यू देने में सक्षम है तो समझेंगे मॉडजेड निकल जाएगा, नहीं सक्षम है तो समझेंगे क्वेश्चन गड़बड़ है। तो जेड माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन, यहां x प्लस आई वाई प्लस वन, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में, सॉरी x माइनस वन ना, x माइनस वन प्लस आई वाई बाई एक्स प्लस वन प्लस आई वाई, समझ सकते हैं हमें करना क्या है। फाइनली ये प्योरली इमेजिनरी इसका यूज करना है, इट मींस इसका रियल पार्ट जीरो होगा ऐसा यूज करना है। अब इसका रियल पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे a प्लस आई वी फॉर्म में करना पड़ेगा, ए प्लस आई बी फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो हम नीचे का जो कंजुगेट है उससे गुना करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस आई वाई इसका कंजुगेट, और नीचे इतना प्लस आई वाई और फिर इतना माइनस आई वाई, बार बार ये काम कर रहे हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया। आप समझ सकते हैं नीचे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा हमें मतलब भी नहीं है, चूंकि रियल पार्ट को हमें जीरो करना है, हाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो जाहिर है नीचे ये जीरो कहां से होगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो कभी भी ये जीरो तो होगा नहीं, बहुत होगा तो एक्स को जीरो वाई को जीरो भी आप करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, जीरो तो हो नहीं सकता ये है ना। अब एक्स का वैल्यू माइनस वन करेंगे वाई का वैल्यू जीरो करेंगे तब ये आ सकता है, आप समझ सकते हैं एक्स का वैल्यू माइनस वन करेंगे तो ये कर नहीं सकते हैं, क्यों, एक्स का वैल्यू माइनस वन करेंगे वाई का वैल्यू जीरो करेंगे तब तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा माइनस वन हो जाएगा ना, इतनी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट मैं समझा रहा हूँ ये जीरो क्यों नहीं हो सकता है, ये लॉजिक के बारे में समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा अब देयरफॉर यहां से हम सिर्फ रियल पार्ट की बात करें कि रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन क्या होगा, Q
क्यों रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी समय मतलब नहीं, इसका रियल पार्ट को जीरो करना है, चूंकि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, समझ सकते हैं, ये रियल इंटू रियल, ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और फिर इमेजिनरी, इमेजिनरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, जिसको कि हम प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब इस रिफरेंस को कोट करते हुए कि एच जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन शुड बी जीरो। अब समझ सकते हैं ये जीरो होगा, दैट इज इट, रियल पार्ट इसका क्या है, यहां निकला हुआ है, इसको हम थोड़ा सा a माइनस बी प्लस बी फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर बाई नीचे क्या था, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, दिस शुड बी जीरो। आप समझ सकते हैं ये जीरो होगा, तो ये पहले समझ चुके हैं जीरो तो है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चूंकि ये जीरो होता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम है, हम जीरो से दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी इक्वेशन में, बट जीरो तो है नहीं, इसको उधर कर दिए, और इस तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स जीरो आया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स वन लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर हमें मॉड निकालना है मॉड जेड का, तो इसमें हमें ये चाहिए। अब अगर ये वन है तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, वन होगा, एंड देयरफॉर मॉड जेड इक्वल्स क्या कर सकते हैं, मॉड जेड वन होगा, सही है, ये एक बात हो गई। अब फिर समझेंगे किसी क्वेश्चन में कुछ और सोचा जा सकता है क्या, कुछ और सोचने में जो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, हम लोग पढ़े थे कंजुगेशन का, मॉडल्स का, उस समय हमने इस बात को समझा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो रियल कॉम्प्लेक्स अगर कंजुगेट करेंगे तो वो जस्ट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा, समझ सकते हैं, फाइव है, रूट टू है, माइनस थ्री है, ये किसी भी रियल का कंजुगेशन करेंगे तो रियल में तो इमेजिनरी पार्ट होता नहीं है, कंजुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, अगर वो प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं, बट कोई भी रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट तो होता ही नहीं है, देयरफॉर कंजुगेट ऑफ एनी रियल नंबर विल बी सेम एज दैट रियल नंबर, मतलब मॉड जेड बार इक्वल्स जेड इफ जेड इज रियल, और जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी आप समझ रहे हैं थ्री आई रूट टू आई माइनस फाइव आई प्लस सेवन आई इस टाइप का, तो जब हम उसका कंजुगेशन करेंगे तो उसमें रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट तो है नहीं, जो है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, उसके साइन को हम चेंज करने वाले हैं, इट मींस कि जेड जो पहले से था उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, थ्री आई है इसका कंजुगेट माइनस थ्री आई होगा, मतलब थ्री आई का नेगेटिव है माइनस थ्री आई, माइनस रूट टू आई है इसका कंजुगेट रूट टू आई हो जाएगा, और माइनस रूट टू आई का नेगेटिव है रूट टू आई, तो हम इसका यूज कर रहे हैं चूंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, देयरफॉर इट्स कंजुगेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, इसका कंजुगेट इसके नेगेटिव के बराबर होगा, और इसका यूज करके अगर हम दिखा दें मॉड जेड का वैल्यू क्या आएगा, दिखा देने निकाल लें, अगर वो हमें मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा ये बताने में सक्षम है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके सेकेंड अप्रोच को देखते हैं, एच जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, देयरफॉर जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन का कंजुगेट, ब्रैकेट क्यों भी क्लियर है, टोटल पर कंजुगेट कर रहे हैं, मतलब दिस बाई दिस जो आएगा उस पर कंजुगेट, दिस वुड बी नेगेटिव ऑफ जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट किए यह है कंजुगेट करने के बाद इसके नेगेटिव पे जैसा होगा। अब कंजुगेटिव प्रॉपर्टी से हम जानते हैं समथिंग बाई समथिंग होता है, उसका कंजुगेट समथिंग का कंजुगेट बाई समथिंग का कंजुगेट, जो भी नीचे समथिंग है, इधर तो यही माइनस जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन होगा, है ना। फिर जानते हैं हम जेड वन प्लस जेड टू है या जेड वन माइनस जेड टू है, तो जेड वन का कंजुगेट और फिर जेड टू का कंजुगेट प्लस माइनस जो भी है यहां पर रख देते हैं, तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार, और वन तो रियल नंबर है इसका कंजुगेट यही रहेगा,
सिमिलरली यहां ये जेड बार और वन रियल है, ये प्लस वन ऐसे ही रहेगा। दिस इक्वल्स निगेटिव ऑफ जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन। आप समझ सकते हैं ये प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है और हमें निकालना क्या है, ये इसके प्रति भी अलर्ट हमें रहना है, हमें क्या निकालना है, तो हमें फाइंड करना है मॉड जेड, वो मिटाने में क्वेश्चन मिट गया था, फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड जेड, मॉड जेड क्या होगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बार माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इक्वल्स निगेटिव ऑफ जेड बार प्लस वन इंटू जेड माइनस वन। समझ सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर जेड जेड बार आएगा, फिर क्या होगा प्लस जेड बार, इसका मल्टीप्लीकेशन वन के साथ, फिर क्या होगा माइनस जेड, फिर माइनस वन, डायरेक्ट फोर टर्म आएगा सर, वन बाई वन मल्टीप्लाई कर दिए सबका, साइन को थोड़ा सा देखते हुए, है ना, साइन सही है ना, सही है। दिस इक्वल्स इधर की बात करें जेड जेड बार निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस जेड जेड बार इसे लिखेंगे और ये माइनस जेड बार आता लेकिन ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस जेड बार, फिर ये प्लस जेड आता लेकिन माइनस है तो माइनस जेड, और ये माइनस वन होता लेकिन माइनस है तो प्लस वन, सही है ना। और इस तरह से हम देखेंगे कि प्लस जेड बार माइनस जेड ये कैंसिल हो गया, बचा क्या जेड जेड बार, इधर माइनस जेड जेड बार है, इसको एक साइड कर लिए तो टू टाइम्स जेड इंटू जेड बार इक्वल्स, इधर प्लस वन है माइनस वन को उधर कर लिए टू, है ना। चलिए यहां लिखते हैं इसके बाद, और टू टाइम्स अब समझ सकते हैं जेड जेड बार, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग कंजुगेट में भी और मॉडुलस में भी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर देता है। जेड जेड बार को हम क्या लिखेंगे, टू टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, हालांकि टू बेकार हो रहे हैं, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा ना, वन कर लेते हैं, यही टू टू कैंसिल कर दिए तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स वन हुआ एंड देयरफॉर मॉड जेड क्या होगा वन। एक्चुअली मॉड जेड प्लस माइनस वन होता है लेकिन मॉड जेड कभी निगेटिव होता नहीं है डेफिनेशन से, देयरफॉर हमने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट वन को एक्सेप्ट किया, यानी मॉड जेड का वैल्यू वन आएगा। तो कहने का मतलब कि इसमें एक्स प्लस आई वाई मान के ही हम करें ये जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, सही है, प्योरली इमेजिनरी है तो प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और ये सिंपली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को मिटाते मिटाते एक बात और यहां पर समझ में आ रहा है, इसको थर्ड वे में सोचिए, ये प्योरली इमेजिनरी है और हम सिर्फ ये बात समझें प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट जीरो होता है, यही होता भी है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है प्योरली इमेजिनरी के बारे में। तो हम मान सकते हैं लेट जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन इक्वल्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आई इंटू सम रियल, तो आई अल्फा आई के आई ए कुछ भी गाली है आई अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, सही है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी तो कुछ इस तरह का होगा, और यहां से अगर हम जेड को इवैल्यूएट करें, जेड को इवैल्यूएट करने में आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट जो स्ट्रक्चर है हमको लगता है यूजिंग सी एंड डी करते हैं कंपोनेंट वाइज डिविडेंड, तो आसानी से ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यूजिंग सी एंड डी, यूजिंग कंपोनेंट वाइज डिविडेंड इस स्टाइल से करते हैं, जेड माइनस वन में जोड़ देते हैं जेड प्लस वन को और नीचे जेड प्लस वन में माइनस कर देते हैं जेड माइनस वन को, यानी ऊपर हमने क्या लिखा दिस प्लस दिस और नीचे लिखा दिस माइनस दिस, तो इसी स्टाइल से इधर लिखेंगे हम वन प्लस आई अल्फा, नीचे ऊपर इसका कुछ नहीं है तो बाई वन समझ सकते हैं ना, वन प्लस आई अल्फा और नीचे इसमें से घटाए ना तो वन माइनस आई अल्फा, वन माइनस आई अल्फा, और यहां से ये वन वन कैंसिल होगा टू टाइम्स जेड, नीचे जेड जेड कैंसिल होगा वन और माइनस माइनस प्लस वन टू, ये वन प्लस आई अल्फा बाई वन माइनस आई अल्फा, ये टू टू भी कैंसिल हो गया, यानी जेड का वैल्यू फाइनली क्या निकला वन प्लस आई अल्फा बाई वन माइनस आई अल्फा, है ना। आप समझ सकते हैं हमें मॉड जेड चाहिए,
तो देयरफॉर मॉड जेड विल बी क्या, मॉड ऑफ 1 प्लस आई अल्फा बाई 1 माइनस आई अल्फा। अब मॉड की प्रॉपर्टी से इसे आप अलग अलग कर सकते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, और मॉड जेड इक्वल्स मॉड ऑफ 1 प्लस आई अल्फा बाई मॉड ऑफ 1 माइनस आई अल्फा। अब 1 प्लस आई अल्फा का मॉड क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर, माइनस अल्फा का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया ना, ऊपर नीचे सेम आया, और इस तरह से मॉड जेड इक्वल्स क्या हो गया 1। देख रहे हैं कि जो बेसिक पार्ट है उसे हम अच्छे तरीके से दिमाग में रखें और उसको यूज करें, है ना। तो क्वेश्चन हो जाता है, जैसे चाहे वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है बट -1 ये नहीं है, सच दैट मॉड Z1 1 है, Z1 का मॉड्यूलस 1 दिया हुआ है, बट ध्यान रखना है Z1 -1 नहीं है। और आगे कहता है एंड Z2 इक्वल्स दिस, आप समझ सकते हैं -1 इसी के चलते कहा, क्योंकि Z2 को Z1 -1 / Z1 +1 कह रहा है, तो Z1 -1 होगा तो फिर Z2 तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। तो देन कहता है शो दैट रियल पार्ट ऑफ Z2 इज 0, थोड़ा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा है, सारी बात को दिमाग में बिठाइए, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अदर देन -1, और Z2 इन टर्म्स ऑफ Z1 लिखा हुआ है, और हमें दिखाना है कि उसका रियल पार्ट 0 होगा, Z2 का रियल पार्ट, जबकि Z1 का मॉडुलस में पता है कि वो क्या है, वो 1 है, सही है। समझ सकते हैं इस पे कोई विशेष दिमाग नहीं लगाएं, हम ऐसे ही सोचें, लेट Z1 इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई कह लें, हमें Z1 फाइंड नहीं करना है, दिखाना है Z2 का रियल पार्ट 0 होगा। तो देयरफॉर जो गिवन है उसके हिसाब से मॉड Z1 1 कहता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो बिना स्क्वायर रूट का भी क्या होगा 1 ही होगा स्क्वायर करेंगे तो हमें ये इंफॉर्मेशन है गिवन क्वेश्चन में, और सिर्फ एक इस इंफॉर्मेशन के बिना पर हमें दिखाना है कि इसका जो रियल पार्ट आएगा वो 0 होगा। अब हम इसके रियल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नाउ Z2 इक्वल्स, समझ सकते हैं Z2 क्या हो जाएगा, Z1 -1, थोड़ा शॉर्ट करें इसमें -1 करेंगे तो रियल पार्ट x -1 होगा प्लस आई वाई होगा, नीचे रियल पार्ट x +1 होगा, चूंकि यहां x प्लस आई वाई में 1 ऐड कर रहे हैं, प्लस आई वाई होगा, हमें इसका रियल पार्ट दिखाना है, देयरफॉर इसे a प्लस आई बी फॉर्म में करने की बात सोचेंगे, इसके लिए x -1 प्लस आई वाई में मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे के कंजुगेट से, जो कि क्या है x +1 माइनस आई वाई, इसका कंजुगेट हो गया, नीचे क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस करेंगे तो दिस का स्क्वायर मतलब x +1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि प्लस वाई स्क्वायर, पहले भी इस तरह काम होते रहा है, समझ सकते हैं ऐसा हो गया। देयरफॉर हमें चूंकि सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है तो रियल पार्ट ऑफ Z2 यहां से भी वैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे रियल पार्ट होगा, तो नीचे तो हमारा फिक्स ही है जो भी है पहले ही इसे आई से फ्री हमने कर लिया है वाई स्क्वायर, और इधर बात करें तो ये रियल गुना ये रियल एक्स -1 इंटू एक्स +1, इसे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर -1 कह लिए, और फिर इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा रियल पार्ट इसका, और इसे हमें 0 दिखाना है यूजिंग दिस फैक्ट 1, यही क्वेश्चन है ना। तो अब 1 का यूज करके इसे 0 कैसे दिखाएंगे, हम 1 को देखेंगे, आप समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, या डायरेक्ट 1 को इधर कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, वही तो एक्सप्रेशन है ये, तो इसे अगले स्टेप में हम डायरेक्ट कर सकते हैं 0, क्यों ये रेफरेंस देते हुए फ्रॉम 1, या पूरा लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, सही है।
इसमें हमने कोई प्रोपाइटी नहीं, जस्ट जेड को एक्स को साई बाई एलसीएम किया और बाकी अपने आप को क्वेश्चन के हवाले कर दिया है, जैसे इसे कर रहे उधर हम प्रोसीड करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। रियल पार्ट ऑटोमेटिकली जीरो आ गया अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे अप्रोच इस क्वेश्चन को देखें, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर है तो उसे हम पोलर फॉर्म में एज्यूम करें तो सुविधा होगी। जैसे देखिए यहां पर x प्लस आई वाई हमने माना, तो आपने देखा कि हमें यूज करना पड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन होगा, यूज करना पड़ा। अगर हम पोलर फॉर्म में इसे मान लेते कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो समझ सकते हैं वहां आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां आता कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता ही है, हमें इसको समझने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें हम ज्यादा मतलब फर्क नहीं करेंगे। सेकेंड अप्रोच में हमने क्या कहा कि जेड वन का मॉडुलस चूंकि वन है, तो हम ऐसा इसे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो बाद में हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होगा, ऐसा करना नहीं पड़ेगा, ये तो होता ही है, इसी चलते समान है, इसका मॉडुलस निकालेंगे वन आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं हम, तो हमारा जो रियल पार्ट आता नीचे जो भी होता, इस केस में जो रियल पार्ट ऑफ जेड टू वर्ट आप करके देखेंगे, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं चूंकि एक अप्रोच और देखेंगे इसको हम, वीडियो आधा घंटा से ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जेड टू क्या होता, तो नीचे क्या होता है इसको छोड़िए, तो जरा सा इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ऊपर क्या होता है, ऊपर निश्चित रूप से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन आता है, जिसे कि डायरेक्ट हम जीरो कर देते, ये जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन होता है उसका कोट किया, उसको हमने कोट किया, उसको हमने समझने का प्रयास किया, उसका यूज किया, वो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट अगले स्टेप में क्या हो जाता है जीरो, सही है। तो सेकेंड में ये हुआ, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं, एक्स प्लस आई वाई में एक संबंध का यूज हमें करना पड़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स वन होगा, और इसमें उसका यूज नहीं करना पड़ा। थर्ड स्टेप इसका थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते क्या। थर्ड जो अप्रोच होगा, हमें दिखाना इसका रियल पार्ट जीरो होगा, इट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, रियल पार्ट अगर जीरो होता है, कौन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू, तो जेड टू प्योरली इमेजिनरी होगा, हम इन अदर वर्ड ऐसे समझ सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। अब जेड टू प्योरली इमेजिनरी होता है, तो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है, जेड टू प्योरली इमेजिनरी होता है अगर हम ऐसा दिखा दें कि जेड टू का जो कंजुगेट होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड टू, जेड टू बार इक्वल्स माइनस जेड टू, तो हम कह सकते हैं जेड टू क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, इट मीन्स इसका रियल पार्ट जीरो होगा, जो कि हमें प्रूव करना है, दिखाना है, क्लियर है ना। मतलब हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा इस अप्रोच में, तो जेड टू का कंजुगेशन करेंगे, जेड टू का कंजुगेट करेंगे, और हम दिखाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे वेदर दिस इक्वल्स माइनस जेड टू और नॉट। वी हैव जेड टू बार, और निगाह में हमारा क्या है, जेड टू बार है, तो इसे माइनस जेड टू के जैसा दिखाने का प्रयास होगा। अब जेड टू बार मीन्स क्या, जेड वन माइनस वन बाई जेड वन प्लस वन इसका कंजुगेट, अब दिस इक्वल्स जेड वन कंजुगेट माइनस वन, पहले भी आता रहा, कितना कितना बताए, ऊपर का कंजुगेट डिवाइडेड बाई नीचे का कंजुगेट, ऊपर का कंजुगेट फिर दो का सब्ट्रैक्शन है, जेड वन का कंजुगेट माइनस वन का कंजुगेट, वन रियल है इसका कंजुगेट वन ही रहेगा, नीचे सिमिलरली जेड वन कंजुगेट प्लस वन, यहां की गाड़ी रुक जाती है, बट हमें प्रूव क्या करना है, तो माइनस ऑफ दिस आना चाहिए, तभी तो माइनस जेड टू होगा, तो माइनस ऑफ दिस आने के लिए जेड वन है, यहां पर कंजुगेशन है, तो इस जेड वन कंजुगेट को तो हमारा प्रयास होगा जेड वन के टर्म में रिड्यूस करने का, इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन भी तो है, मॉड जेड वन वन है, इसका भी हमने यूज कहां किया है, अभी तो यूज नहीं किया है, तो यहां पर साइड में देखिए काम कर रहे हैं कि मॉड जेड वन इक्वल्स वन है, तो देयरफॉर मॉड जेड वन स्क्वायर में क्या होगा वन, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को हमारा माइंड सोच रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम जेड वन और जेड वन बार को रिलेट कर पाते हैं, जेड वन इंटू जेड वन बार विल बी वन, और यहां से जेड वन बार को हम कह सकते हैं वन बाई जेड वन, जहां जहां भी जेड वन बार है इसमें दो जगह, वो दोनों जगह पर हम यहां से कर सकते हैं देयरफॉर जेड वन बार इक्वल्स वन बाई जेड वन, अब दिस इक्वल्स जेड वन बार का वैल्यू हमने रख दिया वन बाई जेड वन माइनस वन, यहां पर क्या हो जाएगा वन बाई जेड वन प्लस वन,
समझ सकते हैं इसका न्यूमिरेटर के पोर्शन को सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जेड वन आएगा, डिनोमिनेटर के पोर्शन को सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर में इसका भी जेड वन आएगा, जेड वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया वन माइनस जेड वन और नीचे हो गया वन प्लस जेड वन। देख रहे हैं जेड वन बार से फ्री करके हमने जेड वन के टर्म में लाया और अब हम इसे वाच करने करेंगे कि अब तो ये आ गया जेड वन में, क्या इसका माइनस है, इसका नेगेटिव है, ये इसे माइनस कॉमन लेंगे, समझ सकते हैं बात को, नीचे तो सेम है ऊपर में माइनस चिन्ह का फर्क है ना, तो अगले स्टेप में इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये जेड वन माइनस वन बाई जेड वन प्लस वन यू हो जाएगा, जिसे कि हम लिख सकते हैं माइनस जेड टू, यानी जेड टू बार को हमने क्या दिखाया कि ये माइनस जेड टू के इक्वल होगा, एंड देयर फोर थोड़ा यहां पर आगे हम इसको पूरा करते हैं, दिस इंप्लाय जेड टू इज प्योरली इमेजनरी, जेड टू प्योरली इमेजनरी है और ये डेफिनेशन ही होता है प्योरली इमेजनरी, अगर जेड टू है तो रियल पार्ट ऑफ जेड टू क्या होगा, जीरो होगा, यही प्रूव करना था, रियल पार्ट ऑफ जेड टू जीरो हो गया, तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, है ना। देख रहे हैं ये इस बहाने में आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देख रहे हैं इस वीडियो में कमी क्वेश्चन हुआ चार पांच छह पता नहीं कितना क्वेश्चन हुआ, बट इस बहाने जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि हाउ टू प्रोसीड ए क्वेश्चन, हाउ टू डिसाइड अवर स्ट्रेटजी कि कैसे उसमें स्टार्ट करें और हमने जो किया क्या कुछ और हो सकता है क्या, है ना, इसे इस ऑप्शन को हमेशा सोचना है ना, देखते हैं अभी मिटाते क्वेश्चन में लगा करेगा तो ऐसे भी हो जाएगा, तो उसको मैंने फिर डिस्कस किया, ये सोचना हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छा कुछ सोचें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं जो जो सोच पाया उससे और बेहतर आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा ये सारी चीज़ को रिलेट करना, ठीक है, ओके थैंक्स, इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, क्वेश्चन अभी जारी रहेगा।